हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमाद और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक के बारे में। आप में से कोई एक व्यूअर्स ने मेरा वीडियो के नीचे कमेंट किया था, जिसका नेम है मोहम्मद शेख। उन्होंने वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट में यह पूछा था, पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे मनी ट्रांसफर करते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। उसी कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे मनी ट्रांसफर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा चैनल पर एक छोटा सा गिव अवे चालू है। अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो वहाँ से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे। इसको कैसे रजिस्टर करना है उसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप अपना एम पिन नंबर इंटर करके लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए मैं अपना एम पिन नंबर को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देंगे। इस एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद आप सिंपली यहाँ से बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी क्विक ट्रांसफ़र। अगर आप किसी पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक का अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे थर्ड पार्टी क्विक ट्रांसफ़र। उस पर क्लिक करने के बाद आप जिस अकाउंट में पैसा सेंड करना चाहते हैं पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक का, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करके आप यहाँ पर अमाउंट को इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद आप यहाँ से ट्रांसफ़र करके मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप कोई दूसरा बैंक में मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट बेनिफिशियरी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जितना भी बेनिफिशियरी ऐड किया है वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए मेरे पास अभी एक ही बेनिफिशियरी ऐड है, तो मैं इस पर मनी ट्रांसफ़र करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद आगे आपको क्या भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर शो हो जाएगा, ब्रांच का नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर अमाउंट को इंटर कर देंगे, आप कितना रुपये सेंड करना चाहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 10 रुपये इंटर कर देता हूँ। अमाउंट को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमार्क, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, यह ऑप्शनल है। तो चलिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर, आप इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपने जो टी पिन सिलेक्ट किया था आप उस टी पिन को यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं टी पिन को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आप इसको कॉन्फर्म करेंगे। कॉन्फर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट से 10 रुपये बैलेंस कट हो गया है। मैं जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया उस अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है। अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनदर ट्रांसफ़र इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ सिलेक्ट बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बेनिफिशियरी है तो वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। मेरे पास अभी फिलहाल एक ही बेनिफिशियरी है। तो चलिए मैं आप लोगों का भी दिखा देता हूँ आप IFSC कोड अकाउंट नंबर इंटर करके कैसे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं IMPS, आप सिंपली IMPS पर क्लिक करेंगे। IMPS पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, P2A क्विकर पेमेंट और दूसरा ट्रांसफ़र टू अकाउंट। आप सिंपली P2A क्विकर पेमेंट इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी अकाउंट में पैसा सेंड करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर को यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक अकाउंट नंबर को इंटर कर देता हूँ। अकाउंट नंबर को एक बार इंटर करने के बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फर्म अकाउंट नंबर, आप अकाउंट नंबर को फिर से दोबारा इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं और एक बार इंटर कर देता हूँ। अकाउंट नंबर को दोबारा इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, आप जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप IFSC कोड को इंटर कर देंगे, आप जिस बैंक में पैसे सेंड कर रहे हैं उसका IFSC कोड। तो चलिए मैं IFSC कोड को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता तो आप यहाँ से बैंक का नेम, ब्रांच का नेम और सिटी डाल के सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं IFSC कोड को यहाँ पर डिजिटली इंटर कर देता हूँ। IFSC कोड को इंटर करने के बाद आप यहां से सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च करते ही यहां पर आप देख सकते हैं ब्रांच का नेम यहां पर आ जाएगा पूर्सा, आप इसको टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ यहां पर देख सकते हैं डन करेंगे आप इसको। IFSC कोड को इंटर करने के बाद उसके नीचे आप यहां पर अमाउंट को इंटर कर देंगे, आप कितना रुपये सेंड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमार्क, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, तो चलिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद आपने जो टी पिन सिलेक्ट किया था वो टी ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद आपने जो टी पिन सिलेक्ट किया था आपको उस टी पिन को यहाँ पर इंटर करना होगा। तो चलिए मैं अपना टी पिन को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। टी पिन को इंटर करने के बाद आप इसको कॉन्फर्म करेंगे। कॉन्फर्म करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट से दूसरा अकाउंट में 100 रुपये मनी ट्रांसफर हो गया है, मेरा मोबाइल में मैसेज आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अकाउंट से दूसरा अकाउंट में 100 रुपये मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गया है। अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ से अनदर ट्रांसफर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ फिर से दोबारा अकाउंट नंबर इंटर करके आईएफएससी कोड इंटर करके फिर से दोबारा मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। इसी तरह से आप किसी का भी अकाउंट नंबर इंटर करके आईएफएससी कोड इंटर करके पैसा सेंड कर सकते हैं और दूसरा किसी का भी बेनिफिशियरी को ऐड करके उसको पैसा सेंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आप अपना पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे मनी ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह से और भी न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और अपने फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। Close till I get up. Time is